नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अग्निवीरों को मिलेगा छत्तीसगढ़ में आरक्षण, स्टेट पुलिस फॉरेस्ट जेल प्रहरी भर्ती में मिलेगा सीधा फायदा। आर्मी में प्रदेश से 870 अग्निवीर, छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। आर्मी से सेवा के बाद ये जवान प्रदेश सरकार की अलग अलग फोर्स में भर्ती हासिल कर सकेंगे। गुरुवार को विधानसभा में इसका ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने बताया कि अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में गए युवकों को इस आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं, उनकी सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी। यह आरक्षण पुलिस आरक्षण, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। अग्निवीर स्कीम के नियमों के मुताबिक 4 साल तक ट्रेनिंग और ड्यूटी करने के बाद कार्य कुशलता के आधार पर 25% सैनिकों को सेवा में कंटिन्यू रखा जाएगा, बाकी के सैनिकों की सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी। इन्हीं युवाओं को छत्तीसगढ़ में फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं को अब सरकार आरक्षण की सुविधा दे रही है। आरक्षण कितना होगा इसे लेकर एक गाइडलाइन सरकार जल्द जारी करेगी। छत्तीसगढ़ से 870 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। यह भर्ती दिसंबर 2023 में जांजगीर चांपा जिले में आयोजित की गई थी। सेना भर्ती कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में 5532 कैंडिडेट ने भाग लिया था। इसमें अग्निवीर, जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए युवाओं का चयन हुआ है।